नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का शिव बिहार मुरलीपुरा सीकर रोड जयपुर से। आज जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम आपसे बात करेंगे या आज जिस प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन पर हम आपसे बात करेंगे उसे मैं डुप्लेक्स कहूँ, ट्रिप्लेक्स कहूँ, महल कहूँ, बंगलो कहूँ, क्या कहूँ, ये वाइस डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आज जिस प्रॉपर्टी के टूर पर हम निकले हैं, क्या इसका डायमेंशन होने वाला है, क्या खूबियाँ होने वाली हैं, कितनी क्लास से जगह है और कितना क्लास से सराउंडिंग एरिया है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका इंट्रो एंजॉय कर लें, फिर डिटेल से इस बारे में बात करते हैं।
प्रॉपर्टी के डायमेंशन के बारे में। इसका डायमेंशन है 30x60, 30x60 वेस्ट फेसिंग डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स महल बंगलो विला जो भी आप इसको नाम दें, ये मैंने आप पे छोड़ा है। हम जैसे ही इस एरिया में इंटर करते हैं ये इसका पार्किंग स्पेस है, ब्रॉड पार्किंग स्पेस है। जब 30x60 के महल में आप इंटर करते हैं, 30x60 के आप बंगलो में इंटर करते हैं, तो आपको पार्किंग भी एक बड़ी जरूरत होती है। तो ये आपकी सेडान, ये आपकी हैचबैक या दो आपकी लग्जरी कार के लिए मोर देन इनफ पार्किंग स्पेस है। ये आपका टू व्हीलर स्पेस है, टू व्हीलर्स के लिए बहुत सारा स्पेस है, 2-3-4 टू व्हीलर आप पार्क कर सकते हो। ये आता है आपका वाटर टैंक और मोस्ट स्पेशियस मोस्ट ब्यूटीफुल डुप्लेक्स महल बंगलो विला में स्वागत करते हैं आपका। जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी में इंटर करते हो ये आता है इसका वेटिंग लॉन्च। वेटिंग लॉन्च क्लास तरह से डिजाइन किया है। जैसे ही अपन इस प्रॉपर्टी के वेटिंग लॉन्च में इंटर करते हैं उससे आपको इसकी भव्यता और दिव्यता का एहसास हो जाता है। जिस सराउंडिंग एरिया में खड़े हैं अपन, ये लगभग आपके 14x12 का स्पेस है। जैसे ही इसके अलावा अपन इंटर करते हैं ये आपका डाइनिंग और ड्राइंग लॉन्च आता है। ये लिविंग स्पेस हो गया और ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया और लिविंग स्पेस की बात करें तो लगभग 20x14 का साइज है। जिस क्लास तरीके से इसको डिजाइन किया है, जिस तरह से इसको फर्निश किया है, एक एक चीज को इतने तराश के इसमें लगाया गया है, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। फुली फर्निश्ड कैटेगरी की ये प्रॉपर्टी है, फुली फर्निश्ड कैटेगरी में डिलीवर होगी। और चूंकि हम जिस महल के बारे में बात कर रहे हैं, जिस बंगलो के बारे में बात कर रहे हैं, जितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है उतनी खूबसूरती के साथ ध्यान रखा गया है इसमें वास्तु का। जैसे ये आपका वेटिंग लॉन्च हो गया, ये आपका हो गया डाइनिंग स्पेस। ये अपन बात करेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की। फर्स्ट बेडरूम वेस्ट साइड में आता है, इसका सिराना आता है साउथ फेस, साउथ में सिराना आता है। वास्तु के हिसाब से अगर आप वास्तु में बिलीव करते हो या वास्तु के बारे में जानते हो तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी डुप्लेक्स किसी भी प्रॉपर्टी किसी भी महल किसी भी विला के लिए। स्लीपिंग स्पेस के बारे में बात करें, इसके जस्ट सामने आता है इसका वॉश एरिया। इस वॉशरूम के साइज की मैं बात करूं, ये लगभग 10x7 का साइज है। और सामने आती है इसकी ड्रेसिंग, एक एक कवर्ड को एक एक क्लास को बहुत क्लास तरह से डिजाइन किया है, बहुत क्लासी लुक आता है इसका। ये है इसका ड्रेसिंग वाला ऑप्शन, ये इसका गेट है, जरूरत ना होने पे आप इसको कवर्ड कर सकते हैं। डाइनिंग के बगल में हैंड वॉश का एरिया है और ये प्लान किया है सामने टीवी। वेटिंग लॉन्च और ड्राइंग के बगल का जो स्पेस है ये आपका वॉशरूम है। ये साइज आता है लगभग आपके 17x10 का, जिसमें आपका वॉशरूम और आपका ड्राइंग स्पेस आता है। ये है इसका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के बारे में जितनी बात करें, जितनी खूबसूरती से डिजाइन इसको किया है, जितनी खूबसूरती से बनाया है, फैन ट्यूबलाइट पंखे लाइट्स फैन रिमोट ऑपरेटेड है और फैन की क्वालिटी और फैन की ड्यूरेबिलिटी से आपको पता चलता है कि किस लेवल का कंस्ट्रक्शन इसमें प्लान किया है। ये है इसकी किचन, ब्रॉड किचन है और किचन ब्रॉड होने के साथ साथ एक खास और है, ये जो ऑप्शन आता है, ये जो डायरेक्शन आती है इसकी आती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अग्निकोण होता है और जिस बारीकी से जिस खूबसूरती से स्मेल को डिजाइन किया है उसमें नॉर्थ ईस्ट में किचन हुआ बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। ग्लैम की ये चिमनी है, चिमनी की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी देख के आपको पता लगता होगा कि ये किस तरह से प्लान की है। वॉल फिटेड गैस चूल्हा है, ब्रॉड किचन है, कैल्विनेटर का डबल डोर है, फ्रिज ग्लैम का है, माइक्रोवेव सॉफ्ट क्लोजर है, ये हाइड्रोलिक किचन है। ये है आपका मंदिर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, पूजा के लिए परफेक्ट प्लेस है। अगर वास्तु के हिसाब से हम बात करें दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर वर्शिप। ये है इसका बैकेंड पे वॉश एरिया, वॉश एरिया के साथ वेंटिलेशन का काम भी करता है, ओपन टू स्काई है। किचन के जस्ट सामने आता है सेकंड रूम, सेकंड रूम ऑफ दिस ग्राउंड फ्लोर। जैसे आप इस रूम में एंटर करते हो
दिस इज द बे, हाउ यू ट्रीट। ये वेंटिलेशन के लिए इसमें स्लाइडर गेट्स हैं, स्लाइडर गेट की बगल में जाली वाला गेट प्लान किया गया, वुडन का इसमें काम किया है बारीकी से। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स, मेमोरीज, फोटोज प्लान कर सकते हो। और ये है आपका प्रॉपर स्पेस, खूबसूरत बेड बनाया है। ये है आपका ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम, ये आपका कॉमन और ये आपका अटैच, बेडरूम से अटैच है और ड्राइंग एरिया से ये कॉमन है। दोनों स्पेस में, दोनों केस में ये प्रॉपर्टी 10x7 के सराउंडिंग एरिया आता है, जिसमें आपकी ड्रेसिंग और बाकी चीजों का ख्याल बहुत अच्छे से रखा गया है। ये बैक स्पेस है सीढ़ियों के नीचे वाला, गार्डन की तरह से इसको डेवलप किया, ग्रीनरी है तो बहुत सुंदर और चार्मिंग लुक देती है। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पर चलेंगे, ये वुडन की रेलिंग है जो प्लान की है। वुडन की रेलिंग होने के बहुत सारे फायदे होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में। वुडन की रेलिंग होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जब इस पे आप पॉलिश करोगे, जब इसे आप क्लीन करोगे, तो हमेशा नए जैसा एहसास आती है। और ये है इसका फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग। फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग का जैसे आप एंटर करते हो, ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों के बगल वाला जो एरिया है वो बहुत खूबसूरत व्यू देता है। जिस फ्लोर पे आके अपन खड़े हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है इस प्रॉपर्टी का, 30x60 के महल का फर्स्ट फ्लोर है, 30x60 के बंगलों का फर्स्ट फ्लोर पे। इसमें तीन बेडरूम है, तीन बेडरूम में जो खास होने वाला है वो है इसका स्वीट बेडरूम, जो घर के स्वामी का है, घर के ओनर का है या घर के बेस्ट कपल का है। वो उसका जो साइज होने वाला है वो 20x11 का है, 20x12 का साइज है। इसके साथ में जो बहुत ही क्लास चीज होने वाली है इस वाले स्पेस की या इस वाले एरिया की, वो होने वाली है इसकी बालकनी। बालकनीज का साइज आपके फ्रंट वाले जो दो रूम्स हैं उनमें से दोनों में से ओपन होता है, दोनों में से निकलता है ये फ्रंट वाले रूम में से। ये वाला स्पेस आपका बेडरूम का है और ये वाला स्पेस है आपकी बालकनी का। इसके साथ में कवर्ड प्लान किए हैं और जिस साइज का ये बेडरूम प्लान किया है, सबका जो साइज आता है दोनों बेडरूम्स का, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे बात करूं तो ऑलमोस्ट जो साइज आता है 20x11, 20x12, 20x13, इस साइज के रूम प्लान किए हैं, जो बहुत ही आपको लग्जरी फील कराते हैं। बहुत ही एलिगेंट लुक का इसमें फर्नीचर प्लान किया है। कलर कॉम्बिनेशन जो चूज किए हैं वो बहुत रेयर हैं। रेयर बोलने के पीछे एक रीजन है कि जिस तरह के कलर प्लान किए हैं वो आंखों पे वायलेंट नहीं लगते। जब आप प्रॉपर्टी में होते हो, जब आप बेडरूम में होते हो, जब आप प्रॉपर स्पेस में होते हो, तो आपको जो फीलिंग आती है वो कूल आती है, शांति वाली आती है। जब आप इस प्रॉपर्टी में विजिट करोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें या जो कलर कॉम्बिनेशन जिस तरह से प्लान किया है, जिस तरह से लाइट प्लान किया है, वो आप देख पाओगे। सेकंड फ्लोर पे होने वाले हैं तीन बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे थे दो बेडरूम। ये अपन इंटर करेंगे इस साइड के बेडरूम में। दिस इज द बे, हाउ इट इज, बहुत ही शानदार क्लास तरह से इसको डिजाइन किया है, शांति का एहसास। आप जब यहाँ होंगे, विजिट करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए स्पेस प्लान किया है जो बैक वाले एरिया में खुलता है, मुझे लगता है इसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। और ये स्पेस है आपका ओपन स्पेस है, ओपन टू स्काई है, तो एक तरह से ये आपका प्राइवेट गार्डन हो सकता है, प्राइवेट सिटिंग स्पेस हो सकता है। This is the second bedroom on first floor. ये second bedroom है। Interior की बात करें, decoration की बात करें, wooden work की बात करें, अलमीराज की बात करें, cupboard washroom की बात करें, चीजें एक से एक क्लास और क्लासिकल तरीके से डिजाइन की है। स्विचेस की बात करें, चिमनी की बात करें, हर रूम में, हर रूम के साथ अटैच वॉशरूम है या किचन है, सब में गीजर आता है, गीजर आता है बजाज कंपनी का। ये आपका अटैच वॉशरूम है, सब में सारे वॉशरूम है जो सैनिटरी फिटिंग आएगी या वॉशरूम फिटिंग आएगी वो आएगी जगुआर की। जगुआर के बारे में मुझे आपको ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, ब्रांड है। ये थर्ड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का, ये इसका मास्टर बेडरूम है। साइज के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आई मस्ट टेल यू, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, ये 20x12 का है। हम इस प्रॉपर्टी का इसको स्वीट बोलते हैं। आपने बहुत सारे टाइम पे, बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारी फिल्मों में सुना होगा कि जस्ट बुक माय स्वीट,
माय स्वीट समवेयर, तो डेफिनेटली ये आपको वो लग्जरी का एहसास देता है जैसे आप इस रूम में होते हो। ये स्वीट है आपका 20x12 का साइज है, इसमें जो कवर्ड प्लान किए हैं स्लाइडर के साथ प्लान किए हैं, तो ये आपके बेडरूम का स्पेस कवर नहीं करती। और बेडरूम के बैक वाला एरिया है, सराहने वाला जो एरिया है, उसको इस एलिगेंट लुक के साथ प्लान किया गया है कि बहुत अच्छा लगता है। ये वॉयलेंट कलर कहीं से नहीं है, बहुत कूल कलर है। इसी सेम कलर के साथ प्लान की है आपकी ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग के जस्ट बगल वाला एरिया आता है आपका वॉशरूम। जैसे आप स्लाइडर वाला डोर ओपन करते हो, ये फ्रंट में आती है आपकी बालकनी। इसको बालकनी कहूं, टेरिस कहूं, ओपन टेरिस कहूं, कवर टेरिस कहूं, मैं कुछ भी कह दूं, ये आपके विवेक पर है आप इसको क्या कहना और क्या सुनना पसंद करोगे। दोनों बेडरूम से इसका एक्सेस है। ये जो फ्रंट है इसका 30x30 फीट में बनाया हुआ स्पेस है, और इसका जो स्पेस आता है इससे सेकंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर से आता है तकरीबन 10 फीट, और बाकी थर्ड बेडरूम से आता है इसका स्पेस प्रॉपर। तो ये ब्रॉड बालकनी है, यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी में अपने हिसाब से चीजें प्लान करने के हिसाब से करना चाहते हो तो झूले का स्पेस प्लान कर सकते हो। ये आपका ओपन टी टाइम, अगर एंजॉयबल टी टाइम आप चाह रहे हो तो ये आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। तो अगर हम महल की बात कर रहे हैं, अगर हम डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ एक चीज और आती है, वो आता है पेंट हाउस। पेंट हाउस आएगा तो पेंट हाउस पर रूम्स आएंगे, रूम्स आएंगे तो झूमर आएगा। ये जितना क्लास है, जितना सुंदर है, वो आपकी इमेजिनेशन है, आप किस तरह से इसको कैसे प्लान करते हो। ये रूम है आपका, ये टॉप फ्लोर पर है, इंटीरियर इसका प्लान नहीं करने के पीछे वो जो रीजन है वो है आपकी रिक्वायरमेंट, आप इसको किस तरह से प्लान करते हो। ये इसकी छत है, पूरी छत पे एंटीस के टाइल्स प्लान किए हैं। आप पेंट हाउस इसमें किस तरह से डेवलप करना चाहते हैं, ग्रीन ग्रीन आर्टिफिशियल घास को प्लान करना और चार ट्रीज को प्लान कर देना, वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं था, इसलिए ये डिसीजन हमने आप पे छोड़ा है। अभी हम बात करेंगे इसके डायमेंशन की। 30x60 का इस बंगलो का डायमेंशन है, 30x60 इस महल का डायमेंशन है। कंस्ट्रक्शन एरिया है 4500 स्क्वायर फीट, फुली फर्निश कैटेगरी का डुप्लेक्स है। लोकेशन की बात करें या आप सराउंडिंग एरिया की बात करें कि क्या खास होने वाला है इसके सराउंडिंग एरिया में या कौन सी जगह है, ये शिव नगर है मुरलीपुरा का। और अगर मैं सराउंडिंग एरिया की बात करूं तो हम सीकर रोड से ऑलमोस्ट 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, और 200 मीटर का डिस्टेंस अगर सीकर रोड से आता है तो लैंडमार्क के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 5 नंबर रोड PKI विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया का 5 नंबर जो रोड है वो इसके सराउंडिंग एरिया में आता है। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की या एमिनिटीज की या फैसिलिटीज की, जिस एरिया के जिस डुप्लेक्स पे हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या होने वाला है। CKS द फेमस स्कूल मणिपाल, CKS द फेमस हॉस्पिटल इज जस्ट इन 500 मीटर अवे, मणिपाल हॉस्पिटल इज जस्ट 500 to 1 किलोमीटर अवे। MGPS स्कूल विच इज एस्टेब्लिश इन विद्याधर नगर, ये चीज आपको विद्याधर नगर में अवेलेबल हो जाएंगी। और उस जगह का यहाँ से जो डिस्टेंस आता है वो आता है समवेयर 1 किलोमीटर और 1 से 5 किलोमीटर आसपास के सराउंडिंग एरिया में, 500 मीटर से 1 किलोमीटर के एरिया में जितने सारे स्कूल्स हैं, फेमस ब्रांड के स्कूल हैं, किड्स स्कूल हैं, प्ले स्कूल हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। ग्रॉसरीज की बात करें, रिलायंस ट्रेन की बात करें, रिलायंस स्मार्ट की बात करें, शॉपिंग एरिया की बात करें, विद्याधर नगर के सराउंडिंग लगता हुआ एरिया है, मैन सिकंदरी रोड के सराउंडिंग वाला एरिया है, रोड कनेक्टिविटी क्लास है। अगर आप दिल्ली से प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो दिल्ली रोड के सराउंडिंग एरिया में लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया रोड नंबर 14 अजमेर बाईपास के बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में। तो लोकेशन 100% क्लास होने वाली है, जितनी जल्दी हो सके आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करें क्योंकि हमारे पास इसमें एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा जिस प्रॉपर्टी के सराउंडिंग एरिया में हम बात कर रहे हैं हमारे पास आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे। डेफिनेटली कम इन 120 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी में हमारे पास कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वास्तु फ्रेंडली ये डुप्लेक्स है, वास्तु फ्रेंडली ये बंगलो है, वास्तु का 100% ध्यान रखा गया है, एक एक चीज को प्रॉपर परफेक्ट तरीके से तराश के बनाया गया। वास्तु के लिए किचन, वास्तु में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका डोर, आपके वॉशरूम, आपकी किचन, आपका पूजा स्थल, इन सारी चीजों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा गया जो इस विला की खूबसूरती में और चार चांद लगाती है।
इंटीरियर की बात करें तो परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। एमिनिटीज की बात करें या सराउंडिंग एरिया की बात करें जिसके बारे में हम डिटेल से बात कर सकें, और बाकी बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक्स की, परफेक्ट। लाइक अगर अपन चिमनी की बात कर रहे हैं, अपन गीजर की बात कर रहे हैं, और या फिर अपन बाथरूम और सैनिटरी फिटिंग की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ब्रांड और क्लास लेवल की यूज़ की गई हैं, जो डेफिनेटली वारंटी के साथ अवेलेबल होती हैं। इस प्रॉपर्टी की बात आती है कॉस्ट की, कॉस्ट की बात में कॉस्ट आती है इसकी 2.65 CR, 2,65,00,000 रुपए का ये डुप्लेक्स है। सेपरेट पट्टा है, सराउंडिंग क्लास एरिया है, फुली फर्निश कैटेगरी का है, टॉप की चीजें हैं, डबल पार्किंग है, 6 बेडरूम है, ट्रिपल एक्स में इसलिए कह रहा हूँ, डुप्लेक्स के अलावा टॉप फ्लोर पे एक किंग साइज का बेडरूम विद वॉशरूम और ओपन एरिया प्लान किया गया है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।